Now I am going to discuss about for loop. The for loop in Python is used to treat the statement a part of a program several times. It is frequently used to traverse the data structure like list, tuple and dictionary. For loop का use हम किसी particular statement या part of a statement को repeat कराने के लिए करते हैं. The basic syntax of for loop is for iterating where in sequence statement as किसी सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लिस्ट, ट्रूपल, डिक्शनरी, किसी सीक्वेंस के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको वो प्रिंट कराने के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं. इटरेटिंग वेरिएबल, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर उसके सारे लिस्ट के सारे आइटम्स को स्टोर कराते हैं और स्टेटमेंट के जरिए प्रिंट करा देते हैं. तो जो बेसिक सिंटैक्स है या बेसिक सिंटैक्स है इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम किसी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करा सकते हैं. हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ फॉर लूप. str इक्वल टू डबल यूनिट कॉमा में पाइथन फॉर आई इन str प्रिंट आई. हियर यू कैन सी हम एक वेरिएबल str नाम का डिफाइन करेंगे जिसके अंदर पाइथन को स्टोर कराएंगे. str वेरिएबल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो i में स्टोर होंगे और प्रिंट i के थ्रू हम वेरिएबल के सारे कैरेक्टर को प्रिंट करा देंगे. तो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज पाई वाई टी एच ओ एन. हियर यू कैन सी द अनदर प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर. प्रोग्राम इज लिस्ट ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 10 एन इक्वल टू 5 फॉर आई इन लिस्ट सी इक्वल टू एन इन टू आई प्रिंट सी. लिस्ट लेंगे 1 to 10, एक वेरिएबल लेंगे 5 जिसका टेबल कैलकुलेट करना है, प्रिंट कराना है. एक फॉर लूप चलाएंगे, सी इक्वल टू एन इंटू 5 लिखें, एन की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 1 by 1 सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 होती जाएगी और एन के साथ कैलकुलेट हो जाएगी. इस तरह से जो इसका 5 का टेबल है वो कैलकुलेट हो जाएगा. द टेबल इज 5 10 20 25 15 20 25 30 35. Here you can see the another program to print the sum of the given number. List 10, 30, 23, 43, 65, 12, sum equal to 0 for I in list, sum equal to sum plus I, print, the sum is sum. List में value लेंगे, इस value को add करना है, जितने भी number है उसको add करना है. एक variable define करेंगे, sum equal to 0 for I in list. Sum equal to sum plus